हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो देखिए, मेरा बेटा ना बिल्कुल तैयार है स्कूल के लिए। अभी हम सब निकलने वाले हैं। चलिए मैं आपको बेबी से भी मिला देती हूँ। कैसे खेल रही है यहाँ पे बेबी? चलो जाना है ना। ओ उठो उठो। तो यहाँ पे हस्बैंड और बेबी भी बाहर निकल रहे हैं और साथ में मैं भी। चल अरे कौवा ठीक है, बहुत अच्छा है मेरा घर, देख ना रे। आप बहुत हैंडसम लग रहे, आइए ना, धीरे धीरे आइए ना। अब वैसे भी मत आइए ना। बंद करो, चालू है। हैंडसम लग रहे डार्लिंग। चलो डार्लिंग बाय, ध्यान ख्याल रखिएगा। चल बाय बेबी, बाय बाय। चलो चलो, पकड़ पकड़, हमको लेट होता। चलो बाय बाय। हिल मत देते, हिल मत। बेटा हिल मत, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं कुछ 9:30 कुछ हो रहे हैं टाइम, और मैं अभी आई हूँ आदित्य को छोड़ के। अभी नहीं, मतलब काफ़ी देर हो चुका है, और लगभग 1 घंटा तो हो गया है। और आने के बाद बेबी को मिल्क वगैरह ये सब दी हूँ, और अभी मैं मतलब थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट कर रही हूँ। गाइस, कल मेरी वीडियो नहीं गई क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब थी। परसों से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और कल पूरे दिन तो गाइस मैं पड़ी ही रही, क्योंकि मेरी तबीयत ना मतलब महीने में हो ही जाती है ख़राब, 2-4 दिन तो ख़राब हो ही जाती है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो ज़रूर जाए, लेकिन अगर कभी वीडियो नहीं आता है तो आप समझिएगा कि मेरी ना बहुत तबीयत ख़राब है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। नहीं तो कितना भी मैं मतलब ऐसे मैं कभी वीडियो बनाना मिस नहीं करती हूँ। कल हुआ ये कि मेरी तबीयत ख़राब होने से ना मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, खाली मैं पूरा दिन ना पड़ी हुई रही। बहुत आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और गाइस, जब भी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब होता है ना, तो मतलब मैं लोगों की बात कर रही हूँ, लोगों को लगता है ना कि नाटक कर रही है, नाटक चल रहा है, ऐसा लगता है। जब मैं चाहती हूँ, जब लोगों को ऐसा लगता है ना, तो उनको क्या बताया जाए, है ना, क्या समझाया जाए। लोगों को लगता है बेटा, वैसे लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये नाटक कर रही है ऐसा। तो गाइस, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी ना अपनी तबीयत को लेकर नाटक करता होगा या नाटक करती होगी, पर लोगों को कौन जाएगा समझाने, है कि नहीं। तो जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अपने ही लोगों की, अपने में ही लोग होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वो लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं होता है, तो दूसरे लोगों को क्या पता होगा, है कि नहीं। तो देखिए, ऐसा होता ही रहता है, तो कौन किसको समझाने को बैठेगा, जिसको जितनी समझ है वो उतना ही समझेगा, है ना। तो अब लोगों के पीछे कौन पड़ेगा, है ना, लोगों को समझाने कौन बैठेगा, जिसको जो समझना है वो समझे। अगर मैं नाटक कर रही हूँ तो हाँ भाई, मैं नाटक ही कर रही हूँ,
जब खुद के साथ होगा ना तब सब समझ में आएगा। और गैस मैं आपको यकीन से एक बात कह रही हूँ, जब भी लोग मेरे ऊपर हंसते हैं या फिर मुझे कहते हैं कि नाटक कर रही है, तो गैस ये ना मुझे देखने को मिलता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो गया है। थोड़े दिनों के बाद ऐसे ही देखने को मिलता है, बहुत बार मुझे ऐसा देखने को मिल चुका है, यकीन से कह रही हूँ ऐसा होता है, ऐसा हो ही रहा है। तो लोगों को कौन मतलब कितना समझाया जाए, है ना, छोड़ते हैं लोगों की बातें, बेकार की बातें, बेकार लोगों पर टाइम बर्बाद करना ही हमारी गलती है, तो लोगों को हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बने रहिएगा। तो गाइस देखिए लाइट जो है वो चली गई है, और मान लो ना लोगों को लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, तो अगर मैं नाटक ही कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मेरा घर का काम क्या आप लोग आके करके देते हैं? आप आते हैं मेरे घर का काम करने सारा काम, तो बोलते क्यों हैं, है ना, बोलना क्यों चाहिए? बोलते तो ऐसे है कि मेरे घर का सारा काम करके दे रहे हैं, देखने को तो नज़र उठा के होता ही नहीं, काम ही करके दे रहे हैं। कुछ लोगों के मन में इतनी जहर होती है ना, इतनी जहर होती है कि पूछिए मत। ये लोग जिनके मन में जहर होता है ना, ये लोग ना मुझे नहीं लगता कि चैन से सोते भी होंगे, रात दिन आग में जलते ही रहते होंगे, मन में भड़ास लिए बैठे रहते हैं। जो लोग अगर लोगों को लोगों से प्रॉब्लम है तो बताना चाहिए, कहना चाहिए, उससे हल निकलती है। अंदर ही अंदर घुट घुट के जियोगे तो जीते रहो, है कि नहीं? ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ना अंदर से वार करते हैं, सामने से बोलने की तो हिम्मत होती नहीं है, पीछे से बाघिन बनने लगते हैं, बाघ बनने लगते हैं, है ना। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आइए सामने आके बात कीजिए, बताइए आपको क्या मुझे लेकर तकलीफ हो रही है, है ना, बताना चाहिए ना। बताएंगे नहीं, मैं क्या भगवान हूँ जानने के लिए? अंदर ही अंदर सड़ते रहोगे, जलते रहोगे मुझे लेकर, अरे मैंने क्या किया है मुझे बताओ तो सही, बताने की तो हिम्मत है नहीं। चले धान कूटने तो कूटते रहिए, मैं भी देखती हूँ कि कितने दिनों तक धान कूटेंगे। मैं लोगों की बात कर रही हूँ जो पीछे से वार करते हैं ना, उन लोगों की बातें कर रही हूँ। लेकिन गाइस मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो मैं मुँह पे जाके बोलती हूँ या बताती हूँ कि हाँ आपने ऐसा किया या वैसा हुआ, जो भी हुआ मैं बात को ना पूरा क्लियर रखती हूँ। मैं ऐसा ना किसी के पीछे से ना हंसती हूँ, ना वार करती हूँ, ना किसी का मजाक उड़ाती हूँ। मजाक उड़ाने वाले ना ज़िंदगी भर मजाक उड़ाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहो, आप हंसते ही रह जाओगे और हम सक्सेस हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। आप हंसते रहो, आप कुछ नहीं कर सकते हो हंसने के सिवा, तो हंसते रहो जी भर के, मेरा आशीर्वाद है ना। हाँ हंसो।